नागरिकता संशोधन बिल का एक और जहां देश के अनेक हिस्सों में विरोध किया जा रहा है, वहीं सिरसा के सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने भी इस बिल के पक्ष में जन समर्थन यात्रा निकाली। ये यात्रा सिरसा के टाउन पार्क से शुरू हुई और सिरसा के विभिन्न बाजारों से होती हुई टाउन पार्क में ही खत्म हो गई। इस यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष तौर पर मौजूद रहे और पूर्व पॉलिटिक्स एडवाइजर और पर्यटन विभाग के पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, महिला विकास कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन रेणु शर्मा सहित अनेक भाजपा और आरएसएस के नेता मौजूद थे। भाजपा नेता जगदीश चोपड़ा और पदम जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नागरिकता संशोधन बिल से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो नागरिकता संशोधन बिल है, यह भारत के नागरिकों के लिए बिल्कुल संरक्षित है। किसी भी भारतीय नागरिक को इसमें रत्ती भर भी दुविधा या असुविधा नहीं रहने वाली। यह सिर्फ और सिर्फ तीन देशों की माइनॉरिटी, वहाँ पे जो है, जो अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, और उनमें से भी जो प्रताड़ित हैं, जिनका उत्पीड़न होता है और धार्मिक कारणों से होता है, उनको नागरिकता देने का यह है बिल है। भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन बिल इस देश में लेकर आई, ये माननीय मोदी जी और कैबिनेट पूरी जो है बधाई की पात्र है, क्योंकि हमारे देश के बहुत ऐसे नागरिक हैं जो विभिन्न देशों के अंदर आज शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको शरण देना, क्योंकि हमारा देश हमेशा से धर्म और लोकतंत्र प्रधान देश रहा है, इसके अंदर सभी धर्म और सभी जाति के लोग जो शरणार्थी है, चाहे किसी भी जाति से है, हम उनको जो ये बिल जो है उनको नागरिकता प्रदान करने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरे देशवासियों से एक निवेदन है कि वो इस बिल के अंदर अपना समर्थन देकर और इसका जो है सराहनीय कार्य को लोगों को सहयोग करना चाहिए।